फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 6 का मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। इससे पहले के दोनों चैप्टर्स मैंने चैनल पर शेयर कर दिए हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकता है, सो दैट आपको ये वीडियोस भी सिस्टमेटिकली समझ आ सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ओके फ्रेंड, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज हम एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ कि किस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कितने करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ दीज नंबर। इन सब के हमें क्या करने हैं, फर्स्ट फाइव मल्टीपल लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है सो दैट मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। तो राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 का टेबल जो होता है, फर्स्ट फाइव मल्टीपल जो होता है मींस जो 5 के टेबल में आते हैं। फर्स्ट फाइव हो गए 5 भी तो मल्टीपल है ना, इसलिए 5 को लिखेंगे। 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ये हो गए इसके फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, 8 के मल्टीपल लिखने हैं। 8 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। दीज आर द मल्टीपल्स। 9 का हमें लिखना है, 9 18 27, 36 एंड लास्ट इज 45। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स। नाउ दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। हमें इसको मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 के साथ। कॉलम 1 में 35 दिया है, 15, 16, 20, 25, और हमें बताना है कि ये क्या है, इसमें से मल्टीपल ऑफ 8। 8 के टेबल में कौन सा नंबर आता है यहाँ से, तो 16 आता है, 8 टू ज़ा 16 आता है। तो इसका यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको मैच भी कर सकते हैं या हम इसको यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल कौन है, 35 है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। मल्टीपल ऑफ 70। 70 का मल्टीपल कौन है, तो यहाँ पर ये किसी से मैच नहीं, 70 का मल्टीपल मीन्स हमें 70 का टेबल लिखना है। 71 ज़ा 70, 72 ज़ा, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फैक्टर ऑफ 30। 30 किसका, 30 के फैक्टर्स कौन है, 15 जो है, 15 टू ज़ा या 215 ज़ा, यहाँ पर हमारे पास इसका आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। फैक्टर ऑफ 50। 50 के किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर होता है ये किस किस के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर हम इसका 5 लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर ऑफ 20। 20 किस किस के टेबल में आता है, 20 अपने टेबल में आता है, 21 या 20 होता है, तो हम इसको यहाँ पर 4 इसका ये लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। हमें 1 से लेकर 100 तक इसमें काउंटिंग लिखनी होगी, और हमें हम उस तरह से भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक इसकी काउंटिंग लिखेंगे और उसमें से उनको सारे उसके 9 के मल्टीपल्स निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या लिखा है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं 100 तक, तो हमें एक तो हम 9 का टेबल लिखते हैं, हम इसमें 9 के मल्टीपल्स निकालते हैं। सबसे पहले तो 9 खुद ही हो गया, 9 टू ज़ा 18, यस, 9 3 ज़ा 27, 27 भी मल्टीपल है, देन 36, 45, 54, ये 9 के मल्टीपल्स हैं जो 9 के टेबल में आते हैं, 63, देन 72, 81, 90 एंड यहाँ पर 99 भी आएगा, क्योंकि हमें अप टू 100 तक बताना है, तो इसलिए हम 11 9 11 ज़ा या 11 9 ज़ा 99। तो ये 99 के बाद क्या आ जाता है, 100, हमें 100 से ऊपर नहीं जाना है, तो हमें यहीं तक बताना है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमने 2, 3 और 4 शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।